दोस्तों जो घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है 2005 वो पति को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होता है। ये कोर्ट श्रीनगर की कोर्ट ने समझा दिया अच्छे से। पत्नी को समझ नहीं आया तो उसके बाद 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। 16 तारीख का जो हाल ही में 2-3 दिन पहले निकली है 16 तारीख, आपको पता भी अपलोड होगा मेरा वीडियो 1 या 2 दिन में, तो 16 तारीख का ये जजमेंट है भाई साहब। यहाँ पे पत्नी इतना प्रताड़ित कर दी पति को कि खुद के घर से बेदखल करा दी, खुद के घर में रहने तक नहीं दी। 2 कमरे की भी बोली गई तो भी 2 कमरे का भी रहने का इजाज़त नहीं दी गई पत्नी। तो भाई यहाँ पे कोर्ट ने समझ लिया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, वहाँ से भी हार के आई पत्नी। और आखिरी में श्रीनगर के जो जज साहब थे उनको इतना गुस्सा आ गया कि पत्नी पे 10 लाख का जुर्माना लगा दिए, साथ ही में वार्निंग के साथ पूरा इसको कैसे रिकवर किया जाएगा 10 लाख को, ये तक का पूरा प्रोसेसिंग बता दिया गया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला दोस्तों, हर किसी के लिए फैसला है, क्योंकि आए दिन ये मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर आसपास में है, सबको पता होगा, स्टार्टिंग वहाँ से होती आ रही है। अभी हाल ही में एक आया था फैसला जहाँ पे कि पति भी पत्नी पर, जम्मू एंड कश्मीर वाला फैसला था, वहाँ पे उस बेंच ने दिया था कि हाँ पति भी प्रताड़ित होता है और उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने का अधिकार है। साथ ही में अब दे दिया इन्होंने, श्रीनगर वालों ने बता दिया कि हाँ बिल्कुल, जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस आपको दे रखे हैं इसका मतलब आप पति को प्रताड़ित मत करिए इसमें। तो इस सिचुएशन में पत्नी पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। मामला क्या था पूरी डिटेल में जानेंगे, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह अगर आप पहली टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चले दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। दोस्तों होता क्या है कि पति और पत्नी का अप्रैल 2019 से एक मामला चलता रहता है। पत्नी सभी को घसीट रहे, बिना वजह से झूठे जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केस है उससे घसीट रहे, जिससे उसको अपने घर से बेदखल होना पड़ा, खुद को खुद के घर में भी उसको जगह नहीं मिल रही थी। ये मामले को लेके कोर्ट ने दिया कि पति, दोनों पति पत्नी बैठे समझौता करे और इस मामले में पति को घर में रहा जाए, 2 कमरे दिया जाए पति को। लेकिन पत्नी इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी। इस चीज़ को देखते हुए पत्नी ने, जब ये वहाँ से श्रीनगर से आदेश मिला कि पति को साथ रखा जाए, पति को 2 कमरे दिए जाए, लेकिन पत्नी नहीं सुनी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ से इसको हार का सामना करना पड़ा। वापस वहीं कोर्ट में आए तो श्रीनगर वाले कोर्ट ने इस पर लगा दिया कि भैया बहुत ज़्यादा कानून का दुरुपयोग किया आपने, ठीक है, इस वजह से आप पे 10 लाख का जुर्माना है और ये भू राजस्व की तरह आपसे वसूली किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक बात ये सच है, जब आपको समझ में आ गया कोर्ट हमेशा आपको प्रताड़ना करना नहीं चाह रहा, खुद कोर्ट नहीं चाहता ना, जानबूझकर दोनों को बिठाता है, कोशिश करता है कि ख़त्म करिए अपने मैटरों को, लेकिन आप अपनी जिद पे अड़ जाते हो, अपने ईगो पे अड़ जाते हो, तो फिर आपको जुर्माना नहीं लगेगा। अब हाल ही में आपके सामने आ चुका कि 10 लाख का जुर्माना ठुक गया, अब बिना वजह से आपको जुर्माना, अपनी जिद के चक्कर में जुर्माना और देना पड़ रहा है, क्या मतलब इसे फ़ायदा, ऐसी क्या जिद है आपकी कि आपको जुर्माना खाना पड़ रहा है फिर भी आप उनको देना पड़ रहा है फिर भी। तो भाई ऐसी घटनाएं ना करें। और जजमेंट क्या है अब मैं आपको पूरी तरह से पढ़ के सुना देता हूं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देता हूं, अगर कोई और भी आपको है तो हिंदी में ही इसको मैं कॉपी डाल दूंगा आपको, तो आराम से उसको रीड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलते अपन इसमें देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण फैसले को, श्रीनगर की एक अदालत ने एक महिला को पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसे अपने पति को घरेलू हिंसा के मामलों में घसीटा था और उसे अपने घर से निकलवा दिया था। ये आदेश तब आया था दोस्तों जब महिला ने मामले को सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतों में ले गए और अंततः अंतरिम में विभिन्न अदालतों द्वारा जारी की गई आदेश को एक श्रृंखला के कार्यवंश को रोकने के लिए मामले में वापस लेनी चाहती थी। श्रीनगर में स्मॉल कोज कोर्ट की अध्यक्षता करने वाले जज फैजाज अहमद कुरैशी ने 18 पन्नों का एक आदेश पारित किया जिसमें पत्नी को अपने पति को 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। ये भू राजस्व की वसूली के लिए निर्धारित तरीके से वसूल किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में मामले के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है। जी हाँ, यहाँ पे जो कानून है इसका दुरुपयोग किया गया है महिला की तरफ से, अतः यह स्वतः है कि महिला संरक्षण घरेलू हिंसा के अधिनियम का उद्देश्य महिला को सुरक्षा इसे घरेलू समुद्र में होने वाली हिंसा से बचाता है। ये वेद और वास्तविक मामलों को संरक्षित करने के लिए है जिसमें आहत पक्ष ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होता है। जो कानून के
उद्देश्य को कमजोर करते हैं। घरेलू हिंसा के अधिनियम को पति या पत्नी प्रताड़ित करना प्रतिवादी को अपने ही घर में से बेदखल कराने के लिए पति पत्नी के संघर्ष में उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये पूरा मामला है। कोर्ट ने ये 23 मार्च के आदेश को जो 29 अप्रैल 2019 को संशोधित किया गया था, कोर्ट ने अप्रैल में आदेश दिया कि दोनों एक दूसरे को समायोजित करें और पति पत्नी के घर में 2 कमरे दें। पत्नी ने इसे विशेष अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन वहाँ से भी हार गई। नतीजन प्रतिवादी पति ने अप्रैल 2019 के फैसलों को लागू करने के लिए अदालत पर याचिका दायर कर दी वापस। ये याचिका ने अदालत ने संबंधित 15 नवंबर 2021 को 19 अप्रैल 2019 के आदेश को पालन करने के लिए कहा। इस बिंदु पर याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका द्वारा दायर अनुरोध किया और याचिका वापस लेने की कोशिश की। दोनों पक्षों को मामले की स्थापना की तारीख पर मौजूदा साझा घर में कब्जे करने के संबंध में उसी स्थिति को बहाल करने का आदेश भी दे दिया। आदेश में कहा गया कि ये मामला कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का है, एक ऐसा स्पष्ट उदाहरण है जहां पत्नी कार्रवाई को अपनी सोच की अधिनियम क्षमता का तक बढ़ाया है और एक घरेलू हिंसा याचिका को प्रारंभ चरण से भारत के सर्वोत्तम न्यायालय तक घसीटा है। याचिकाकर्ता पत्नी ने यह सुनिश्चित किया है कि पति साझा घराने से वंचित रहे भले ही वह प्रतिवादी क्यों न हो। यह अख्तर बनाम आजाद परिवेज का है साहब दोस्तों मामला और ये 16 तारीख का जजमेंट है। इसको जजमेंट को भी मैंने आपको समझा दिया कि दोनों का साझे का घर था, उससे पति को बिल्कुल निकाल दिया, वहाँ से बेदखल करवा दिया। पति रहने के लिए कमरे मांग रहा था जबकि पार्टनरशिप में था, दोनों का जॉइंट में था, वहां से भी पति को निकाल दिया गया। पत्नी कोर्ट में आदेश दिया कि इसको पति को रखा जाए लेकिन पत्नी नहीं मानी और विशेष अधिकारियों के तहत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी महिला को वहां किसी भी हारना पड़ा और वापस से जो 29 अप्रैल 2019 को कोर्ट ने आदेश दिया जाए कि पति यहाँ 2 कमरे दिया जाए, पति को साथ में रखा जाए, उसको पुनः दोबारा लागू कराने के लिए अपील में डाला लेकिन उसके खिलाफ भी पत्नी खड़ी हो गई। तो इस वजह से फिर भैया कोर्ट को आ गया गुस्सा और 10 लाख का जुर्माना लगा दिया पत्नी पे। उसके बाद अब भैया पत्नी को 10 लाख रुपये और देना पड़ेगा, साथ में ही पति को उसका जो साझे वाला मकान है उसमें रहना भी पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया, जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।